नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, अवाम से अपील भी करना चाहता हूँ, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ऐवान बल्दिया में नहीं जाएंगे तब तक ये जो अरे मास्टर को किने अधिकार दिया है कि भाई यहाँ साइज की ज़रूरत नहीं है? हमारे गांव के नेताओं को बहुमत के साथ हमने यहाँ नगर परिषद दी हाथ में, और हमारे गांव का नेता कहता है कि यहाँ साइज की ज़रूरत नहीं है और मास्टर को। आई बी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मतीन खान। आज हम आए हैं MIM के न्यू ऑफिस की ओपनिंग है कारंजा लाड में। तो यहाँ पे MIM के बड़े दिग्गज नेता आए हैं, यहाँ के महाराष्ट्र के महासचिव मिस्टर फिरोज लाला यहाँ पे आए हैं। तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो आइए जानते हैं फिरोज भाई से। फिरोज भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है आईबी न्यूज़ 24/7 में। तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी कारंजा लाड में आपके आने के बाद? आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारंजे के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर, जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर हम तमाम लोग आए। यहाँ पर एक उद्घाटन हुआ है, इफ्तिताह हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक कंसेप्ट को लेकर चला है, एक नई मुहिम, एक तहरीक का आगाज़ किया है। हमारी तहरीक ये है कि मसाइल, आपकी आवाज़ हमारी, जो बल्दी मसाइल है उस ताल्लुक़ से यहाँ पर आना हुआ है, और पार्टी के यहाँ के ज़िम्मेदारों को हमने इस बात को बताया है कि शहर कारंजा के लिए ये तहरीक हर डिस्ट्रिक्ट को हमने दी है। हर डिस्ट्रिक्ट के, हर ज़िले के अंदर मसाइल, आपकी आवाज़ हमारी, ये तहरीक का आगाज़ पिछले 4-5 महीने पहले शहर नांदेड़ के अंदर हमने किया था, और मराठवाड़े के तमाम ज़िलों के अंदर और विदर्भ के दोनों ज़िलों के अंदर, पिछले वक्त वाशिम के अंदर हमने इस मुहिम का आगाज़ किया था। फिर उसके बाद कुछ वक्ती टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से हम यहाँ नहीं आए, तो आज उसकी वजह से यहाँ आना हुआ। हम शहर कारंजी की अवाम से अपील करते हैं कि आपके जो भी बल्दी मसाइल हो, जो भी तहसील के मसाइल हो, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कारंजी के ज़िम्मेदारों से राबता कीजिए, वो आपका काम जब तक नहीं होता तब तक वहाँ पर मुतालबा करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। इसके लिए ये दफ्तर होना चाहिए था, उस दफ्तर का आज आगाज़ हुआ है। और दूसरा अहम ये यहाँ पर कि कुछ दिगर सियासी जमातों के लोग हमारे जमात में आए हैं, पार्टी में आए हैं। मैं अतीक़ुर रहमान साहब जो है, मैं उनका दिल की गहराइयों से खैर मुकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथ में फिरोज कासम प्यारे वाले जो कांग्रेस के साबिका सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी मजलिस में आए हैं, मैं उनका भी दिल की अमीर गहराइयों से खैर मुकदम करता हूँ। सर, मेरा एक आपसे सवाल है कि यहाँ पर जो जनरेशन के लिए एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है बहुत खस्ता हालत में है, यहाँ पर ना टीचर्स है, यहाँ पे ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ख़ास तौर से उर्दू स्कूल के लिए, तो आप इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ही है हमारा कि अवाम की खिदमत करना चाहिए। अवाम की खिदमत और उनके मसाइलों को लेकर हर वक्त नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये जो मसाइल, आपकी आवाज़ हमारी, तो मसाइल अवाम के, आवाज़ हमारी, यहाँ पर जो जो भी मसाइल है, चाहे उर्दू स्कूल्स के टीचर्स के मसाइल हो या तहसील के मसाइल, एजुकेशन के हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के हो या बल्दी, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पर काम करेगी। अगर यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है, और यहाँ के ZP के जो अंडर में आती है ज़िला परिषद के, यहाँ के एजुकेशन चेयरमैन वगैरह ये काम नहीं करते, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके लिए रस्ते पे आए सिवा रहने वाली नहीं है। और जो मसाइल, जो काम है, जो टीचर्स है, वो जल्द से जल्द अगर यहाँ पर अपॉइंट नहीं करते हैं, तो तमाम मेरी वाशिम की डिस्ट्रिक्ट की टीम और कारंजी की टीम, यहाँ पर मंगरूड की टीम, तमाम रस्ते पे आए सिवा काम नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह जिसको बंद किया गया है इस जीवन के अंदर, मैं मजलिस की तमाम टीम और मैं ख़ुद महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर से
इस ताल्लुक में हम नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जल्द से जल्द यहाँ पर साइंस का क्लास चालू कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर मांझी के अंदर महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत साहब जब शहर नांदेड़ में अंदर आए तो हमारे पास भी ये कुछ मुतालबे इसी तरीके से थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जब उनके जहन में बात को ला कर दिए तो काम अमल में आ चुके हैं। और मैं इंशाल्लाह यहाँ से महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री साहब को मैं इस बारे में बात करूँ, और साथ में मैं मेरे अपने तमाम टीम के ज़िम्मेदारों को ये हिदायत भी करूँगा कि कल हम इंशाल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदार शिक्षण सभापति जो है उनसे मिलेंगे, शिक्षण सभापति से मिलेंगे, शिक्षण अधिकारी से मिलेंगे और उस पर नुमाइंदगी करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और मसला शुरू है कारंजा की आवाम के साथ में, एक दिल्ली बेस है जो कि हेरिटेज है जो कि जोड़ती है दो एरियो को, एक नया कारंजा है एक पुराना कारंजा है जिसको आने जाने के लिए एक ही रास्ता है जो दिल्ली बेस है। ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो बल्दी मसाइल है सिर्फ हम इनके लिए ये मसाइलों के लिए एहतजाज करते रहेंगे और नुमाइंदगी करते रहेंगे, मगर इख्तदार पे मजलिस का कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, अवाम से अपील भी करना चाहता हूँ, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ऐवान बल्दिया में नहीं जाएंगे तब तक ये जो सत्ताधर है ये जो जालिमाना सोच सकते हैं विकासित जो विकास करने वाली काम नहीं करते। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब मजलिस के नुमाइंदे जब बल्दिया में जाएंगे तो यकीनन वो जल्द से जल्द काम शुरू होगा, मगर इस इशू के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम टीम नुमाइंदगी करेंगी, यहाँ के सीओ से और बल्दिया से करेंगे। साइंस का सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो यहाँ के हमारे गाँव के नेता ने हमें कहा है कि मास्टर लोगों ने साइंस का नहीं बोले कि भाई यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे मेरे चार बच्चे हैं, कई लोगों के बच्चे हैं, तो उनके मुस्तकबिल का सवाल है। और मास्टर को किने अधिकार दिया है कि भाई यहाँ साइंस की ज़रूरत नहीं है? हमारे गांव के नेता को बहुमत के साथ हमने यहाँ नगर परिषद दी हाथ में, और हमारे गांव का नेता कहता है कि यहाँ साइंस की ज़रूरत नहीं, और मास्टर को अधिकार किने दिया है कि भाई साइंस क्यों नहीं होना? बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और यहाँ के जो काम हुआ है उर्दू स्कूलों का बेकार हाल है। कैमरामैन गालिब पटेल के साथ में मैं हूँ मतीन खान, देखते रहिए IBN न्यूज़ 24/7 हमेशा आपके साथ। थैंक यू। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।